तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो मेरे प्रभु। विश्वास के साथ गाओ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकार और न कोई सहारो, कहे बंद। कुछ दिन पहले एक कथा में एक भाव, कथा कहते कहते भाव आया, दोबारा कहूं उस बात को। जीवन में यदि एक बार भी कभी ठाकुर जी आपको प्रिय लग गए हो, जीवन में कभी एक क्षण के लिए चार घंटे की कथा में एक क्षण भी यदि ठाकुर जी आपको भा गए हो, बस उसी समय रुक जाना और अपना पथ बदल देना। ठाकुर जी एक क्षण के लिए भी आपको प्रिय लगे, इसका मतलब आप पृथ्वी पर उन्हीं के लिए ही आए हो। आपका जन्म और किसी साधन के लिए हुआ ही नहीं है। एक बार भी वृंदावन जाने की इच्छा मन में आ गई हो, सत्संग करने की इच्छा आ गई हो, एक बार भी ठाकुर जी अच्छे लगे हो, ठाकुर जी की कथा भाई हो, बस उसी समय संभल जाना, उसी समय अपने आप को संभाल लेना। आप और किसी क्रिया के लिए हो ही नहीं, आप उन्हीं के लिए आए हो। बस उस एक क्षण को अब जीवन में परिवर्तित करना है। और एक बात आप कहोगे, महाराज जी सिक्योरिटी क्या मिलेगी हमें, अकाउंट खुलवाएं अगर बैंक में तो फिर हम लोग उसकी सिक्योरिटी और पूरी लायबिलिटी पर ध्यान देते हैं, जमीन खरीदें तो उससे भी पूछ लेते हैं, भाई पावर अटॉर्नी वगैरह सब हमारे नाम होगी ना, बढ़िया सब चीज। आप कहो महाराज जी एक बार हमको गलती से कथा में ठाकुर जी प्रिय लग गए, आप कह रहे हो कि ठाकुर जी के ही हो जाओ, हमारे ऊपर हमको सिक्योरिटी क्या है कि फिर हर जगह से ठाकुर जी बचा लेंगे हमको,
ये जीवन ठाकुर जी को अर्पित कर दिया तो ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। स्वयं गीता में भगवान कहते हैं, जिस गीता को आज अदालत में हाथ रखवा करके दोषियों से कहा जाता है, जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ गीता, उस गीता में भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति। मैं वचन देता हूं अर्जुन, एक बार जिसने मेरी ओर मुख कर लिया उसका मैं पतन नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। भक्ति के पथ पर चल दो, गिरोगे नहीं, और कभी गिरे भी ना तो नेत्र उठा करके देखोगे तो उठाने के लिए स्वयं श्री राधारमन लाल ही आएंगे। आप उनकी जिम्मेवारी है। हमने तिलक लगा लिया है, हमने धोती पहन ली है, गले में कंठी माला पहन ली है, इसका मतलब उनकी जिम्मेवारी। बोले कैसे? ब्याह के बाद कन्या ने मांग में सिंदूर भर लिया, गले में मंगलसूत्र पहन लिया, हाथ में पति के नाम के चूड़े पहन लिए, साड़ी पहन ली, इसका मतलब है पति की जिम्मेवारी है कि उसकी रक्षा करे। कोई भी कैसी भी स्थिति आ जाए, कितनी भी व्यवस्था दुर्व्यवस्था हो जाए, पति, पति का अर्थ ही होता है रक्षक, वो करेगा रक्षा। हमने भी तिलक लगा लिया है, हमने भी गले में कंठी माला पहन ली है, हमने भी अपने हाथ में कलावा रूपी चूड़ला पहन लिया है, हमने साड़ी की जगह धोती आदि ये सब पहन लिए हैं, हम भी हो गए वैष्णव। अब हमारी रक्षा की जिम्मेवारी ठाकुर जी की। नमे भक्त्या प्रणश्यति। इसलिए एक बार भक्ति के मार्ग पर आ गए, निर्भीत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी रक्षा करेंगे आपके। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे छोड़ दी ठाकुर जी आपके लिए, केवल एक बात के लिए। क्या बात? एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं
की विनती सुन ले दास के घंटे से गा रहे हो हम तुम्हारे थे तुम हमारे हो, हमारे हो के करोगे क्या। एक पंक्ति है बड़ी सुंदर, ओ मारा गिरधर लाल तेरो नचायो ना।